हे व्यूअर्स, की हालचाल। आई होप यार हमेशा की तरह आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, झकास होंगे, मस्त मजे में होंगे। तो इसी के साथ व्यूअर्स, सुबह का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 11:30, तो मतलब दोपहर ही होने वाली आधे घंटे के अंदर। तो यहाँ पे मैं, भैया और मम्मी, साथ में नानू नानी, तो हम सब आ गए। अभी जो नानी जी के भाई के बेटे की शादी थी, मतलब मेरी मम्मी के मामा के बेटे की, मेरे भी नाने ही लगे, तो अब वहाँ पे आ गए हैं। तो बस गाड़ी में आए सुबह ही, तो अभी आके बस ब्रेकफास्ट ही किया, तो अभी सब ऐसा सीन है। और संयम पाजी इस टाइम घर में है नहीं, उनका आज पेपर था, तो पेपर देने गए हैं अपना, तो आ जाएंगे शाम तक। तो भैया मतलब मामू ही लगे, तो मामू का भी सारे अभी वो रीति रिवाज वगैरह चल रहे हैं ऊपर, तो बस अभी वो अपना बिजी हैं वहाँ पे। तो मैं, तमन्ना दीदी, भैया, साथ में मम्मी तो चलो मंदिर गई है, तो अभी अपन सब लोग आए इधर घूमने के लिए। तो ये काफ़ी, अगर आप यहाँ पे देख सको तो काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे ये झील वगैरह जो भी है वो यहाँ पर है। तो ये जो सामने आप पहाड़ देख सकते हो, ये सारा मेरे हिसाब से ऊना पड़ जाता है, तो कुछ ऐसा सीन है। तो अभी पूरा आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, इसका जो खास आइडिया होगा वो दीदी को होगा। और बाकी अगर आपको मैं सीन दिखाऊँ बैक कैमरे से, एक नंबर है, गजब है। तो आज है सेकेंड वेडिंग, तो मेरे हिसाब से ब्लॉग जितना भी बनेगा डाल दूंगा। रात तक हम वापस भी चले जाएंगे, क्योंकि कल भैया ने चले जाना है वापस अपने होस्टल। तो देखते हैं क्या सीन है। और यहाँ पे काफी बड़ा एरिया है, तो दिखाता हूँ आपको पूरा। ये यहाँ पे रही तमन्ना दीदी और साथ में मेरा भाई। ये दीदी किसी और के भाई पर मेरा अपना है। और ये यहाँ पे गांजू, तो यहाँ पे दीदी फोटो खींच रही है अपने गंदे, बहुत गंदा है, बहुत गंदा कैमरा की फोन। ये आपका जो बना रहा है ना, ये हरामी है। तेरे को क्या लगता है, सब मैं डालूंगा? जहाँ पे मेरी बेइज्जती होती है वो मैं नहीं डालता। झूठ बोल रहा है। नो, I'm telling you। दीदी बात सुनो, दुनिया हमेशा अच्छे बंदे की बुराई करती है, जैसे कि आप मेरी कर रहे हो। देखो दांत कैसे फाड़ रहे हैं। हाँ, ये सबसे अच्छी लड़की है। तो ये यहाँ पर रहा गाइज, अगर आप देख सको, मतलब एक नंबर व्यू हमेशा की तरह। और ये इतना बड़ा व्यू, और यहाँ तक पानी आ जाता है कभी कभार। तो ये यहाँ पे गाय भैंस जो भी है अपने यहाँ पे, और बीच में अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मतलब किश्ती वगैरह भी है, नाव वगैरह। तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट वहाँ जाना हो, तो वैसे भी आजकल तो ये सब कम हो गया, बाय रोड ज्यादा होता है। इस साइड भी काफी तगड़ा व्यू है, काफी बढ़िया वाला। और ये यहाँ पे पेड़ वगैरह, तो यहाँ तक आ जाता है पूरा पानी। ये आ रहे हमारे मंत्री जी, हमें भी देख लिया करो, आम जनता को हाय तो कर दो मंत्री जी। आओ मंत्री जी, इधर पुल अप्स मारो। मैंने तीन मारे, अब तू मार। ले इधर दे दे। अच्छा, मैंने तीन मारे, अब तू मार। तो यहाँ पे मंत्री जी पुल अप्स मारते हुए, तो मंत्री जी फिटनेस को काफी सपोर्ट करते हैं। तो मंत्री जी एक, मैंने तीन मारे, झूठी मारो, तुमने भी देखा। दो मंत्री जी, वंस मोर, यहाँ पे मैच ड्रॉ होते हुए मंत्री और आम जनता के बीच में। मंत्री जी हाँ बस, तो ये यहाँ पे चार हो गए मंत्री जी के। अरे यहाँ पे फिर से फोटो शूट आउट सेशन चल रहा है। दीदी अपने शरारे को पकड़ते हुए अभी तक पहुंच गई है, काफी बढ़िया बात है। दीदी ये यहाँ पे तमन्ना दीदी। अरे दीदी दिखा तो दो, दीदी जी इधर तो देखो दीदी, इतना क्यों शर्मा रहे हो? ये देखो ये अच्छा, दूसरों को बोलने वाले खुद क्यों शर्मा रही है फिर? अरे हाँ, देखा साक्षी, ये रही गांजू दीदी जी। हाँ जी, हाँ जी। मंत्री जी को आपने क्या, ये अपनी ये क्यों उड़ा दी है? तो अगेन यहाँ पे फिर से फोटो खींची जा रही है, इस बार फोटोग्राफर चेंज हो गया है, तो इसको थोड़े से कम पैसे दिए, लेकिन पैसों की ज्यादा जरूरत थी इस बंदे को, इसको ज्यादा जरूरत थी, तो खाने की कमी हो जाती है अक्सर इन दिनों। अरे यहाँ पे तीन बहने, तो ये यहाँ पे पानी जहाँ पे सुसाइड करने के लिए तमन्ना दीदी बोल रही है। और ये यहाँ पे साक्षी और कांचू की फ्रेंड बचपन की, तो ये भी यहाँ पे घूम रही है। हाय, वो देख, वो साक्षी तेरी फ्रेंड। अच्छा ठीक है, पहले खो ये सारे, तो ये भी स्विमिंग कर रही कितने आराम से, है ना कांचू? तू भी जा इनके साथ, इनके ऊपर बैठ जा। अच्छा तो अब यहाँ पे फिर से चेंज, मेरी कोई इज्जत नहीं, मुझे तो कोई पूछ लो भाई फोटो खिंचवाने की, नहीं व्लॉग तो नहीं बंद होगा, ये मेरी रोजी रोटी है। आज ये भी बोलेंगे सिर्फ फोटो दिखाई। दीदी नहीं डरती पानी से, क्योंकि दीदी को स्विमिंग नहीं आती। कोई सेंस है इस बात? हमें बहुत लग रही है। तो उनको पता है मैं डूब ही जाऊंगी, डरने का क्या फायदा। ये यहाँ पे तमन्ना दीदी की अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत दुश्मनी होगी, इसलिए इनसे बात नहीं की, पर वो अपना मस्त है घास चरने में। और तमन्ना दीदी अपनी दोस्ती भूलते हुए, दीदी ने अभी नए दोस्त बना लिए। तमन्ना दीदी आपके दोस्त आपको याद कर रहे हैं? तो दीदी कुछ नहीं बोलते हुए यहाँ पे दीदी। अच्छा दीदी ने मतलब दोस्ती तोड़ लिया, क्योंकि इन्होंने इनको खाने को नहीं दिया होगा कुछ भी, है ना साक्षी? तो ये यहाँ पे जो गाइज ये गए हैं नाव लेके, तो ये यहाँ पे गए हैं मतलब मछली पकड़ने, तो जाल हमारे सामने बुन रहे थे। और कुछ ऐसा सीन है, मतलब रिफ्लेक्शन बढ़िया आ रही है यहाँ पे। और मम्मी
मम्मी भैया दीदी सब चले गए यहाँ पे, तो अभी चलता हूँ तो मैं भी निकलता हूँ, भागता हूँ यहाँ से। नहीं तो भाई, अरे यहाँ पे जो मिट्टी है ना ये भी गीली गीली है, मतलब यहाँ पे पानी होगा पिछले हफ्ते ऐसा। तो बस ये कुछ ऐसा सीनर, काफी बढ़िया है यार, मेरे को तो काफी मजा आ रहा है। तो सब चले गए दीदी वगैरह फोटो शूट करके, तो मैं यहाँ पे रह गया, मैं दोस्त से बात कर रहा था, उसको सीन वगैरह दिखा रहा था, क्योंकि भाई अगले को फोटोग्राफी का काफी शौक है। और जो गाइस यार, मैंने एक प्रैंक किया था अपने दोस्त के साथ, आपने देखा था, मतलब राधु रिद्धू ने उसको सस्पेंड करने वाला, तो मैंने उसको बता दिया था एक दो हफ्ते पहले कि भाई मैंने क्या, मतलब उसका नया नंबर मैंने उसको बता दिया था। भाई उसको बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ी, अभी दोस्त बता रहा था, क्योंकि उसने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया, तो उसको भाई काफी ज्यादा गालियां पड़ी है घर से। क्योंकि पहली बात तो यार उसने सीए लिया, ऐसा उसने बताया दोस्त ने जिससे अभी बात कर रहा था, उसने सीए लिया, तो घर वाले पहले उससे ऐसे तंग थे, क्योंकि यार पढ़ने में काफी अच्छा स्कॉलर ही बच्चा था वो, तो उसने आईआईटी जेई 11 तक तो काफी बढ़िया, मतलब अगर वो कर लेता ना तो 12th का उसको अच्छे कॉलेज तो आराम से मिल जाता। तो उसने फिर सीए कॉमर्स ले लिया था, अब क्यों लिया था वो पता नहीं, तो पहली बात इसलिए नाराज थे, और दूसरा इसलिए इसको सस्पेंड भी कर दिया सीए होने के बाद। हालांकि भाई काफी उसको गालियां पड़ी, और मतलब दोस्त बता रहा था कि दिन उसकी रोने वाली हालत हो गई थी जब उससे बात कर रहा था। भाई अब मैंने उसको बोला कि अगली बार कभी कॉन्फ्रेंस कॉल करोगे तो मुझे ले लेना, मैं उससे भाई माफी मांग लूंगा, गलती सीन हो गया, कुछ ज्यादा ही जहरी हो गया ये तो। Later that same evening. इसी के साथ व्यूअर्स टाइम हो गया है रात के ऑलमोस्ट 9 o'clock, और ये यार यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ घर, मैं भैया मम्मी सभी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि भैया ने कल जाना था और बाकी अपन लोग गाड़ी लेके गए थे, तो ये तो आ जाता अकेला वापस, फिर कल हमें भी आना ही पड़ता है क्योंकि कल शादी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाती, तो बारात चली गई थी। तो ऐसा बीच में प्लान भी बना था कि मैं और मम्मी रह ले, भैया अकेला आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट जब बारात जाने वाली थी तब हमारा भी थोड़ा मूड चेंज हुआ, तो हम सब भी आ गए, क्योंकि आधी आधी शादी अटेंड की, पूरी की नहीं कहीं पे भी, तो कुछ ऐसा ही सीन था, मतलब समझ जाओ अब, तो कहीं नहीं गए, तो डायरेक्ट घर ही आ गए थे। तो भैया भी आ गया, तो अभी सीन ऐसा है कि मैं आके थोड़ा पहुंच गए थे हम कुछ 6:30-7 o'clock के आसपास, क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा वहाँ पे, ऑलमोस्ट इतना रश था, तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, कोई खास नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि बीच में से आपको क्या ही शादी दिखाता, और मुझे खुद ही रीति रिवाजों को नहीं पता, जो सच्ची बात बताऊं तो जैसा भी सीन था कुछ ऐसा था। और बाकी बारात वगैरह चली गई होगी, अब जो भी सीन है उसका तो भाई कुछ नहीं पता। दूसरी बात ऐसा था कि जो भी अभी दुल्हन आएगी वो ऑलमोस्ट घर तो आएगी, ऑलमोस्ट क्या, अल्टीमेटली घर तो आएगी, तो बाद में कभी जब भी कभी टाइम लगेगा तो उस साइड जाने का तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो कुछ ऐसा सीन था, तो जैसा भी था बढ़िया शादी हो गई, जितनी हमने देखी उतनी तो बढ़िया थी। बाकी भैया आ गए, भैया कल सुबह चला जाएगा अपने हॉस्टल, और अब मैं देखता हूँ व्लॉग्स आपके सामने कैसे डालने हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बैक व्लॉग्स भी पड़े हैं, तो उनको डिलीट नहीं करूँगा, रखूँगा, क्योंकि मेहनत तो यार उनमें भी लगी है। तो आज का व्लॉग करता हूँ मैं इधर ही एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बाकी चैनल पर सब्सक्राइब, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और बाकी कभी टाइम लगेगा, कभी अभी ऐसा नहीं कह सकता कब, तो पूरी एक वेडिंग पूरी मतलब day 1 to day 3-4 जितने भी दिन की चलती है सब दिखाऊंगा, कभी टाइम लगे, कभी भी लग सकता है वो, इस साल अगले साल, इस महीने अगले महीने, इस दिन, कभी भी। तो स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको देखनी है पहाड़ी वेडिंग, हिमाचली वेडिंग, तो वो भी दिखाऊंगा ज़रूर से, रीति रिवाज ज़्यादा होते हैं। तो आज का व्लॉग करता हूँ मैं तेरी एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। खाना डन है, डिनर डन है, सब डन है, तो अभी बस अपना मैं काम करने बैठता हूँ। तो बाय बाय, स्टे फिट, जिंदगी थोड़ी खास है भाई तुम्हारा जो खास है, तो गुड नाइट।